नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। पूरे भारत में कोरोना के केसेस 40 लाख के पार हो चुके हैं। इसी बीच मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई है। जब कोरोना के केसेस कम थे, हज़ारों में भी नहीं थे कोरोना के केसेस, तब पूरे भारत को बंद कर दिया गया था और आज 40 लाख के पार है। डेली 90 से 80 हज़ार केसेस, लगभग लाख केसेस डेली आ रहे हैं और इस समय मेट्रो सेवाएं और तमाम चीज़ें खोल दी गई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सादान खान ने आम लोगों से बातचीत की है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मेट्रो शुरू कही गई है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी इसको आपने सोचा है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप इस तरीके से लोगों को बता रहे हो कि भाई पूरी दिल्ली के अंदर कोरोना और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से तेज़ी से फैल रहा है और आप ऐसे में मेट्रो स्टार्ट कर दोगे, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेट्रो ही यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे देश के अंदर और हमारे इस दिल्ली के अंदर इस कोरोना की वजह से। तो अभी मेट्रो स्टार्ट करना ये ठीक नहीं था। तो आपको नहीं लगता है कि अब देखिए केसेस अब तुरंत बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले भी लगातार जब केसेस नहीं थे जब मेट्रो बंद कर दिया, अब केस बढ़ रहे हैं तो मेट्रो शुरू कर दिए, सरासर गलत है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था हमारे उसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं जगह पर अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगह पर जो है वो DU के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं इस टाइम में कि आप मतलब लोगों की जान के साथ खेलेंगे आप? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसके लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और इसके लिए कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए कि अगर बंदा बचेगा तो एग्ज़ाम देगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस नज़र को जल्दी नहीं लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा देखना चाहिए और फिर करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों, अब जब लोगों ने इतना सर्वाइव करा है, 3-4 महीने अपने काटे हैं, तो उसके बाद ये है कि 1-2 महीना और जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये है कि मेट्रो स्टार्ट करना बहुत ही गलत फैसला है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था के बारे को सोचोगे तो आपको देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो लॉकडाउन का टाइम बीता है वो भी बहुत रिस्की है, उसमें भी गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, लेकिन आप गवर्नमेंट के नुकसान से आप अपने देश के लोगों की जान नहीं ले सकते आप, इसलिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, आपकी नज़र में शुरू करनी चाहिए थी मेट्रो या बिल्कुल नहीं, कैसे देखते? देखो, दोनों बातें हैं, मैं दोनों मुद्दे रखना चाहूँगा। देखो, जो जॉब करने वाला बंदा है उसको थोड़ी अभी दिक्कत है, परेशानी है उसको, तो इस वजह से ये है। और बाकी अभी फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा है एक तरफ कि फिर से केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब फिर से एक दिन में कितने दिन 3-4 हज़ार के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी फिर से थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए, कुछ करना चाहिए फिर से। सरकार को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने की और ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमें लगता नहीं है कि कहता है अभी मेट्रो ज़रूरी है फिर से, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि कहते थोड़ा सा अभी रोक दे फिर से, थोड़ा इसके ऊपर और इंतज़ाम किए जाएँ, कड़े इंतज़ाम किए जाएँ, लोगों को अच्छे से वो किया जाए। और क्या कहते हैं, इंजेक्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट, लेकिन लोग तो साफ तौर पर इसको मोदी सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराना कह रहे हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ मोदी सरकार की वजह से फैला। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि जो सरकार होगी उसी का डंका बजेगा, चाहे जिसकी वजह से जो भी हो रहा हो, सीधी सी बात है, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार, अब मान लो कांग्रेस हो गया, कांग्रेस हो गया तो कांग्रेस को बोलते थे, अब बीजेपी है तो बीजेपी को बोलेंगी। भैया, जिसका जो आएगी सरकार तो उसी का ही डंका बजेगा, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, तो मोदी तो मोदी सरकार पे ही आएगा। बीजेपी क्या है, बीजेपी एक ब्रांड बन चुका है मोदी का, मोदी सरकार बोलते, बीजेपी नहीं बोलते, बोलते हैं ना मोदी, तो मोदी एक वो बन चुका है, बीजेपी सरकार एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये है बस, इसीलिए मैं ये कहना। सर, ऐसे कई मामले सामने आए कि जिस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ कि जो GDP -23 पहुँची है, इससे पहले कि किसी सरकार में नहीं हुआ, लेकिन अभी भी लोग लगातार मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आपको लगता है कि हद तक ये सही है? देखिए, कुछ हद तक देखा जाए तो ये बात ठीक भी है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने एक हमारा भाषण दिया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरियाँ आएंगी, तो वो इससे पहले, चलिए कोरोना को अगर आप ले लें तो ये पिछले 6 साल अगर हम देखें तो इस साल कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया के अंदर आया है, लेकिन जो हम 5 साल आप पहले देखेंगे तो 5 साल पहले जो रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, रोज़गार गया ही है लोगों का, ठीक है। कुछ हैवेल्स कंपनी है, बड़ी बड़ी जो ब्रांड है, कई कई लोग उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कर दिए, ठीक है। कई हद तक ये है कि आज की डेट में अगर आप करप्शन की तरफ भी देखेंगे तो करप्शन भी मेरी नज़र में बहुत बड़ा है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियाँ रखी हैं, अगर वो किसी भी बंदे को रखती हैं तो 50,000 रुपये पहले रिश्वत मांगी जाती है, तो पहले की नहीं था, ठीक है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत गंभीर स्थिति में है, अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बहुत परेशानी का सामना होगा। तो लेकिन मोदी सरकार तो साफ कह रही है कि जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने भी निशाना साधा, राहुल गांधी ने भी कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में है, कंपनी और जो बैंक वगैरह सिर्फ अपने फायदे के लिए आई है, वो बेचना है। ये सही बात है, देखिए ये बोला जाएगा, अगर आप देखेंगे तो देश की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो आज बिकने की कगार पर हैं और कुछ हद तक कई कंपनियाँ बिक भी चुकी हैं,
ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट अपना जो पैसा है वो सही इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसलिए वो नौबत भी आ रही है, ठीक है ना। अब ये देखिए, आप बीजेपी के जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं वो पहले क्या हुआ करते थे, और आज की डेट में जी 7-स्टार होटल भी उनके ऑफिस के सामने फेल हैं। तो ये सारा पैसा देखो पब्लिक को समझना पड़ेगा और थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा लोगों के लिए कि देखिए पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस या बीजेपी, पार्टी वो अच्छी है जो देश के हित के लिए काम करे और लोगों की, जनता की परेशानी को देख के उसको सॉल्व करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, हमको एक पार्टी को से अलग देखकर कुछ चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। और देखिए बीजेपी सरकार का ये है कि बीजेपी सरकार जो है ना, एक बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार कहा जाता है उसको, तो एक मोदी जी का बहुत बड़ा फेस है जो लोगों ने उनको सराहना किया, बट ये है कि जिस तरीके से लोगों ने उनको सराहना किया और उनसे जो उम्मीदें लगाई थी वो उस पर फेल हुए हैं, और ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, या मैं अपने फादर के बारे में बोलूं कि भाई मुझे अपने फादर बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लगना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर मेरे फादर एक गलत डिसीजन ले रहे हैं तो मैं उन्हें बताऊँगा, समझाऊँगा और मैं उनसे बोलूँगा, ठीक है, और अगर वो नहीं मानते तो हो सकता है मुझे उनसे थोड़ा सा बोलना भी पड़े, बट ये है कि अगर मेरे फादर भी हैं तो बोलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर मोदी जी कोई गलत काम कर रहे हैं तो देश की जनता को उनको बताना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका गलत का साथ नहीं देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ गलत कर रहे हैं। आप अभी दिल्ली की आम जनता को सुन रहे थे। इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है, कोरोना काल में और इस समय मेट्रो सेवाएँ शुरू करना बिल्कुल गलत फैसला है, इससे कोरोना और भी ज़्यादा पाँव पसरेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, आपकी क्या इस मामले में राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशनल इंडिया न्यूज़, और ये न्यूज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।